चंद से बहु कुछ क्लास बस स्टार्ट को का ना 9 बजे से ओ अलकान में बिया राजी ठीक है ما هو السكرين تاع استخكاري هاي अच्छा तो स्टार्ट करते हैं आज जो जो लेक्चर है वो 10 है, वीक नंबर 10 का। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारे साथ जो लेक्चर है वो 12 है तकरीबन, 10 हम आज तो हम 10 वाला लेक्चर कवर करेंगे, बाकी जो दो लेक्चर रहते हैं वो भी डैम के ऊपर होंगे। उसमें ग्रेविटी डैम का हम डिज़ाइन करेंगे और साथ में जो इसके मुख्तलिफ और रिलेटेड इससे जो लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में, फिर लास्ट में हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर जो प्रीवियस पेपर होता है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो फिर से डैम से रिलेटेड है, डैम के बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो आज फिर से डिस्कस करते हैं डैम क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या है और ग्रेविटी डैम क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ग्रेविटी डैम का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह होता है और इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है डैम। अ डैम इज एन इम्परवियस हाई बैरियर विच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ वैली टू फॉर्म अ डीप स्टोरेज रिजर्वायर। डैम जो होता है, सबसे पहले उसने बात की है कि डैम जो होता है वो इम्परवियस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, बैरियर होता है, एक रुकावट दीवार होती है, ठीक है, जो पानी को पीछे बिहाइंड क्या करता है, स्टोर करता है या कॉन्फाइंड करता है, ठीक है, जो पानी को क्या करता है, स्टोर करता है या रोकता है। और एक्रास अवेली, डैम जो हम बनाते हैं ये एक्रास अवेली बनाते हैं, यानी जो वैली होता है, ठीक है, उसके एक्रास हम बनाते हैं, आर पार बनाते हैं, या वेली हो गया या स्टीम हो गया, जो भी है, जो भी पानी का रास्ता है उसके अक्रास हम बनाते हैं। और ये एक डीप रिजर्वायर होता है, डीप स्टोरेज रिजर्वायर होता है, और ये उस रीजन में हम बनाते हैं जहाँ पे हमारे साथ हिली रीजन हो। हिली रीजन मीन पहाड़ी एरिया हो, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, और ऐसी जगह पे आप नहीं बना सकते जहाँ पे पहाड़ काफ़ी कमज़ोर हो और वहाँ पे जो रास्ता हो, जिसको हम क्या कहते हैं टेक्निकल जबान में, जो डीप रीजन्स होता है, ठीक है, जिसको हम डीप रीजन्स कहते हैं, उस जगह पे हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। और साइड वाली दीवारें क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। साइड वाली दीवार का मतलब ये है कि पहाड़ साइड पे जो माउंट करते हैं वो मजबूत होनी चाहिए। और ये मुख्तलिफ फंक्शन के लिए हम बनाते हैं। इस डैम हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके मुख्तलिफ पर्पज़ है, ठीक है, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसकी मुख्तलिफ पर्पज़ में कौन कौन से पॉइंट है, नंबर वन जो है इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम डैम बनाते हैं, ठीक है। आबपाशी के लिए अगर हमने पानी सप्लाई करना है, ठीक है, खेतों तक पानी सप्लाई करना है तो उस पर्पज़ के लिए भी हम डैम बनाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी बनाते हैं, अगर हमें बिजली वगैरह बनाना हो तो वो भी इसके लिए भी बनाते हैं। फ्लड कंट्रोल के लिए बनाते हैं, वाटर सप्लाई के लिए बनाते हैं, और फिशरी जहाँ पे आपने माहीगिरी करना हो यानी मछली वगैरह आपने पकड़ना हो तो उसके लिए भी आप डैम वगैरह बनाते हैं, क्योंकि उस जगह में फिर क्या हो जाते हैं,
ये मछली वगैरह क्या होते हैं, उसके एक अपना जोन होता है जिसको हम लीडर कहते हैं, ठीक है। साइट भी बनाया जाता है मछलियों के लिए। इसके बाद है रिक्रिएशन, सैर तफरी पर्पज़ के लिए भी हम बनाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात जिस तरह हम हमारे साथ क्वार तंदर डैम, इसके लिए हम चक्कर लगाते हैं, सैर तफरी करते हैं वहाँ पर, तो रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए भी हम डैम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है टाइप्स ऑफ डैम बेस्ड ऑन मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की बेस पे हमारे साथ दो टाइप्स है, रिजिड है और नॉन रिजिड है। इसकी फर्दर टाइप्स है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे स्लाइड में, सिर्फ अब मैं आपको इतना बता तो चलो कि आज हमारा जो टॉपिक है मेन फोकस जो है वो ग्रेविटी डैम के ऊपर है, और हम डिज़ाइनिंग भी ग्रेविटी डैम की करेंगे क्योंकि टॉपिक उसी से रिलेटेड है, तो उसी से मुतलिक हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल बिहेवियर है, ठीक है। ग्रेविटी डैम है, आर्च डैम है, सही है। ठीक है, ग्रेविटी डैम है, आर्च डैम है, बटरेस डैम है, एम्बैकमेंट डैम है, बेस्ड ऑन फंक्शन स्टोरेज डैम है, डिटेंशन, डायवर्जन, कॉफर, और बेस्ड इन हाइड्रोलिक बिहेवियर ओवरफ्लो डैम है और नॉन ओवरफ्लो डैम है, ठीक है। ग्रेविटी डैम क्या होता है? ग्रेविटी डैम अगर मैं आपको अपनी डिफिनीशन में बता दूं, ग्रेविटी डैम वो डैम होता है जो अपनी वजन की वजह से तमाम किस्म के फोर्सेस को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। इस टाइप के डैम को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी डैम कहते हैं, क्योंकि इसका वजन इतना ज़्यादा होता है कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज आते हैं, अभी इसमें नीचे आगे पढ़ेंगे फोर्सेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन डैम्स। तो जिस तरह आइस प्रेशर हो गया, विंड प्रेशर हो गया, वाटर प्रेशर हो गया, ठीक है, और इसके साथ अर्थक्वेक प्रेशर हो गया, तो ये सारे प्रेशर्स को रिजिस्ट करने के लिए डैम इतना मेसी होता है, इतना हीवी होता है, इतना इसका ज़्यादा वजन होता है कि ये सारे फोर्सेस को अपनी वजन की वजह से बर्दाश्त करते हैं। तो इस टाइप के डैम को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी डैम कहते हैं। डिफिनीशन भी यही कह रहा है कि ग्रेविटी डैम इज एन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर दैट बाई इट्स ओन वेट रिजिस्ट द फोर्सेज एम्पोज इन द डिजायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने दी है, ठीक है, उसी के मुताबिक, यानी उसी से, ठीक है, उतने फोर्स के अंदर अगर उसमें फोर्सेस आ जाए जितनी के लिए आपने डिज़ाइन किया, तो ये बर्दाश्त करेगा अपनी वजन की वजह से। नेक्स्ट कह रहा है इसकी क्लासिफिकेशन हमने दो की है, एक को हम मेसनरी डैम कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं कंक्रीट डैम, ठीक है। मेसनरी से भी हम बाज़ औक़ात बनाते हैं और बाज़ औक़ात कंक्रीट से बनाते हैं। मेसनरी रबल भी हो सकती है और कोर्स भी हो सकती है, और कंक्रीट से जो हम बनाते हैं ब्लॉक भी बनाते हैं और पोरिंग कंक्रीट भी करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे साथ टाइप्स ऑफ डैम्स, ठीक है, उसमें ग्रेविटी डैम में दूसरा स्लाइड मैंने लिया था कि आपको क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे पानी का प्रेशर है, ठीक है, रिजर्वायर फोर्स है, और ये डाउनवर्ड इस तरह रिजिस्ट कर रहा है अपनी वजन की वजह से। तो ग्रेविटी डैम दूसरा डिफिनीशन भी यहाँ पे लिखा गया है कि दीज डैम्स आर हैवी एंड मेसियो वाज लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ कंक्रीट एंड विच द होल वेट इट्स एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये अपनी वजन की वजह से क्या करता है, होल लोड को क्या करता है, रिजिस्ट करता है एज द एंटायर, ठीक है, एज द एंटायर लोड इज ट्रांसमिटेड ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ फाउंडेशन। तो होल जो लोड होता है वो एक स्मॉल एरिया के ऊपर, फाउंडेशन का जो स्मॉल एरिया होता है उसके ऊपर ट्रांसफर होता है, ठीक है। सच डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड वेयर रॉक्स आर कंपिटेंट एंड स्टेबल। उस ये जो इस डैम का जो फाउंडेशन होता है वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रॉक को देखते हैं, यानी एक ऐसा मजबूत चट्टान को देखते हैं, तो उसी के ऊपर हम ये डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एज अ फाउंडेशन हम रॉक को कंसिडर कर देते हैं, और ये स्टेबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, मुस्तहकम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे साथ इसकी कंपोनेंट्स है। अच्छा, इसकी कौन कौन से हिस्से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड ग्रेविटी डैम्स के, पहले नंबर पे क्रेस्ट, क्रेस्ट, अच्छा, क्रेस्ट वो लेवल होता है जो सबसे टॉप लेवल होता है, इसके ऊपर वॉकवे या रोडवे बनाया जाता है, इसके ऊपर बाज़ औक़ात गाड़ियाँ भी गुजारा जाता है, या बाज़ औक़ात पेडेस्ट्रियन पर्पज़ के लिए भी आप जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन मीन पैदल चलने वाले लोग जो है ना इसके ऊपर सफ़र कर सकते हैं, यानी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके साथ इधर तो नहीं दिया है इस स्लाइड में, इसके साथ पैरापेट वाल भी होता है, एक साइड पे पैरापेट वाल, दूसरी साइड पे पैरापेट वाल होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे साथ है दूसरे नंबर फ्री बोर्ड है। फ्री बोर्ड क्या है, इधर लिखा होगा NWL, NWL का मतलब नॉर्मल वाटर लेवल, और एक टॉप पे लिखा होगा MWL, MWL का मतलब
मैक्सिमम वाटर लेवल, तो नॉर्मल वाटर लेवल और मैक्सिमम वाटर लेवल के दरमियान जो स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड। ये अक्सर खाली होता है, ये हम सेफ्टी के लिए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ हेल, जिस तरह पाऊ का हेल होता है, ये हेल है, ये जमीन के साथ डैम का वो हिस्सा जो डायरेक्टली टच होता है, लेकिन अपस्ट्रीम साइड की तरफ जो टच होता है उसको हम हेल कहते हैं, डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ जो टच होता है उसको हम टो कहते हैं, जो स्लोप वाइज होता है, ठीक है। और साथ में जो है ना, नेक्स्ट जो है स्लूस वे है। अच्छा, यहाँ पे एक स्लूस वे भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो स्लूस वे का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिल्ट वगैरह अगर जमा हो जाए तो इस सिल्ट को आप एग्जिट करने के लिए आप इस स्लूस वे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेनेज गैलरी होता है, या फिर ड्रेनेज गैलरी भी हो सकती है। ये नीचे स्लाइड में आपको, मैं आपको अगर दिखा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये ड्रेनेज गैलरी है। ये एक अंदर टनल होता है, इसके अंदर बाज़ औक़ात लोग जाते हैं, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, इंस्पेक्शन के लिए ये बनाया जाता है। और एक इसकी इसकी कई एडवांटेजेस है, लेकिन दो तीन मैं आपको बताता हूँ। नीचे से बाज़ औक़ात सीपेज जो होता है, आपने ब्लाइट थ्योरी में सीपेज वगैरह पढ़े होंगे, तो नीचे से जो सीपेज होता है उसको भी कंट्रोल करता है। और इस इंस्पेक्शन पर्पस के लिए भी इसमें लोग जाते हैं, तो मुख्तलिफ पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनली दिया जाता है, इसको ड्रेनेज गैलरी कहा जाता है, ठीक है। और स्लूसवे ये है, और स्लूसवे के ऊपर मैक्सिमम वाटर लेवल के साथ जो टच होता है उसको हम स्पेलवे कहते हैं। ये एक्स्ट्रा पानी जो स्टोर हो जाता है उसको क्या करने के लिए, जाया करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेलवे बनाते हैं। ये इनसाइड ड्रेम होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ ये फोर्सेस, फोर्सेस की मैंने बात की, जिस तरह डैम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फोर्सेज अमल करते हैं, वो कौन कौन से फोर्सेज है। सेल्फ वेट है, बिल्कुल, डैम का अपना वजन होता है वो भी जो है ना अमल करता है, डाउनवर्ड अमल करता है, ठीक है। और हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर होता है, वो भी डैम के ऊपर अमल करता है, ठीक है। अपलेट प्रेशर होता है, नीचे से जो पानी डैम के नीचे से पास होता है, जिस तरह हमने पाइपिंग पढ़ी थी ब्लाइट तिवरी में, ठीक है, कोशला तिवरी, ब्लाइट तिवरी, वो जो हमने पढ़ी थी वो तिवरीज, तो उसमें हमने पाइपिंग की जिक्र की थी, ग्रेडियंट, एग्जैक्ट ग्रेडियंट की जिक्र की थी, तो ठीक है, उसकी डिजाइनिंग भी हमने किया था। तो अपलेट फोर्स नीचे से लगता है, वेव प्रेशर होता है, मोजो की जो प्रेशर होती है, वाइंड प्रेशर होती है, हवा की जो प्रेशर होती है, सिज्मिक फोर्स होती है, सिज्मिक जलजला बाजों का आ जाता है, ठीक है। तो उसकी फोर्स वर्टिकली भी हो सकती है और हॉरिजेंटली भी हो सकती है डैम के ऊपर उसकी इफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, पहले है सेल्फ वेट। सेल्फ वेट जो होता है, ठीक है, डैम का अपने वजन को सेल्फ वेट कहा जाता है। और ये कंक्रीट से अगर हम बना दे तो कंक्रीट की जो डेंसिटी है वो 2400 से 300 केजी पर क्यूबिक मीटर के दरमियान होती है। और सेल्फ वेट का फार्मूला अगर हम लिख ले तो सेल्फ वेट का जो फार्मूला है वो गेमा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। गेमा डब्ल्यू का मतलब ये है, या गेम एम भी लिख सकते हैं, इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द डैम्स है, और वॉल्यूम तो वैसे भी वॉल्यूम है। तो सेल्फ वेट वो वेट होता है जो डैम का अपना वजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ वेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है हाइड्रोलिक प्रेशर। पानी की जो प्रेशर होती है उसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये ट्राइंगुलर जैसा ही लगता है, ये डैम अगर आप देख ले तो टॉप से ऊपर से कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे ज़्यादा होता जाता है। ये आपने हाइड्रोलिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बनाता है, क्योंकि जितना ही डिप में इजाफा होता है तो पानी के प्रेशर में भी इजाफा होता जाता है, ठीक है। तो ये आप ये भी देख सकते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो 1/2 गैमा डब्ल्यू एच स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसलिए हमने 1/2 गैमा डब्ल्यू एच स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपलेट प्रेशर, नीचे से जो प्रेशर लगता है, ठीक है, तो नीचे से जो प्रेशर लगता है तो उसको फाइंड करने के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकती है, यू 1/2 गैमा डब्ल्यू एच बी। बी क्या है, बी जो है ना, बी इज दी वेट ऑफ दी बेस ऑफ दी डैम है, गैमा डब्ल्यू तो वैसे भी यूनिट वेट ऑफ दी जो है ना, आपको जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी है, सही है। नेक्स्ट हमारे साथ है वेव प्रेशर होती है, मोजो की भी प्रेशर हो सकती है। अच्छा, मोजो की प्रेशर डिपेंड करते हैं, उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है, अदद की कीमत होती है, वो कम हो जाता है किसकी वजह से हो सकता है, वेलोसिटी की वजह से हो सकता है, डेप्थ ऑफ द रिजर्वायर कितना है, एरिया ऑफ वाटर सर्फेस कितना है, तो इसकी वजह से उसमें चेंजिंग आ सकता है वेव प्रेशर। मोजे जो होती है, मोजे किस तरह आते हैं, बाज़ औक़ात पानी में जो है ना, पानी कोई रुकावट आ जाती है, कोई हवा आ जाता है, तो इसकी वजह से जो पानी का लेवल होता है वो अप एंड राइज होता है, ठीक है, जिसको हम ट्रफ और पीक पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, मोजे जो बनते हैं, सही है।
तो ये आप देख सकते हैं, तो उसका भी प्रेशर होता है उसको फाइंड करने के लिए। जिस तरह मैंने आपको फार्मूला बता दिया, ये नीचे फार्मूला मेंशन है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये सारे फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। तो इतना मैं आपको इधर बताता चलूँ कि ये फोर्सेस अमल करते हैं, ताकि आपको इतना मालूम हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो है विंड प्रेशर है। हवा का भी प्रेशर होता है, लेकिन हवा के प्रेशर को हम ज़्यादातर निगलेक्ट करते हैं, यानी निगलेजेबल होता है, वो हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप लेते हैं तो वो 150 kg/m² हम लेते हैं बास केसेस में, जो सबसे सेंसिटिव केसेस होते हैं। अगर हमने डैम का डिज़ाइन करना है, सेंसिटिव डिज़ाइन करना है, तो 150 kg/m² के हिसाब से आप लेंगे विंड प्रेशर, हवा का जो प्रेशर होता है। क्योंकि डैम जो होता है, डैम के पानी के ऊपर आपने देखा होगा, ऊपर सरफेस तो ओपन जो रीजन होता है वो एक्सपोज्ड होता है, ठीक है, पानी का, तो उसके ऊपर हवा आती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, तो वो पानी को क्या करता है, हिलाता है। जब ये हिलाता है तो डैम होता है, तो डैम को भी नुकसान पहुँच सकता है ना। तो ये हम बाज़ औक़ात तो निगलेक्ट करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लेते हैं। तो ये कह रहे हैं, दी टॉप एक्सपोज पोर्शन ऑन द डैम इज स्मॉल एंड हेंस द विंड प्रेशर ऑन दिस पोर्शन ऑफ डैम इज निगलेजेबल। क्योंकि ये बहुत कम होता है, तो इसको हम इसलिए निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने लेना है, बट स्टिल इन अलाउंस टू शुड बी मेड फॉर विंड प्रेशर एट द रेट ऑफ अबाउट, तकरीबन हम लेते हैं 150 kg/m² फॉर दी कितना एक्सपोज सरफेस, जो एक्सपोज हो, जिसके ऊपर हवा का जो है ना इफेक्ट हो, ठीक है। ये रियाप्ती अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम फोर्सेस। सेज्मिक फोर्स होता है, जलजले का फोर्स होता है, ठीक है, वो भी लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना, उसका जो फार्मूला है वो हमारे साथ है, P Cw2/3 CeH² ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जब हम अर्थक्विक का फोर्स इंक्लूड कर देते हैं डिजाइनिंग में। नेक्स्ट हमारे साथ जॉइंट्स आ रहे हैं। अच्छा, जॉइंट्स जॉइंट्स हम देते हैं, जॉइंट्स आप जॉइंट्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इधर बताता चलूँ। जॉइंट्स हमारे साथ दो है, एक को हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहते हैं और दूसरे को हम कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट कहते हैं। कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट को बाजा का श्रिंकेज जॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट के फर्दर दो टाइप्स है, ट्रांसवर्स जॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ट्रांसवर्स की तो आपको पता है, चौड़ाई के रुख जो दिया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल जो लंबाई के रुख दिया जाता है। कॉन्ट्रेक्शन मीन श्रिंकन जॉइंट, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आपको पता है कि वो जॉइंट होता है जो आपने अगर काम स्टॉप करना है और फिर से नए सिरे से काम स्टार्ट करना है, तो उस जगह पे आपने स्टॉप किया तो उस जगह पे आप जॉइंट देंगे, इसको आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स कहेंगे। अच्छा, इसके बाद कंस्ट्रक्शन जॉइंट की कुछ डिफिनीशन है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको बताता हूँ। दीज आर हॉरिजेंटल जॉइंट्स प्रोवाइड फॉर इजी टू कंस्ट्रक्शन ऑफ दी ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम के अगर आपने आसान तरीके से बनाना है तो आप मस्ट कंस्ट्रक्शन जॉइंट देंगे। और दे आल्सो परमिट सिस्टमेटिक कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। अगर आपने आसान डैम की कंस्ट्रक्शन आसान करना हो, कन्वीनियंट करना हो, सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीके से करना हो, इकोनॉमिकल करना हो, तो ये जॉइंट्स आप उसमें खामखा देंगे। क्योंकि डैम जो होता है एक काफ़ी एक लंबा या हीवी स्ट्रक्चर होता है, वो एक दिन या दो दिन या तीन चार पाँच दिन में हम ख़त्म नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम डेफिनेटली दिन के अख्तितम पे हम क्या देंगे, जॉइंट देंगे, कंस्ट्रक्शन जॉइंट देंगे। फिर जब रात के अख्तितम पे हम जॉइंट देंगे, सॉरी, ठीक है। और दिन की फिर जब स्टार्ट करेंगे दिन में, तो फिर से उसी जगह से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमने जॉइंट नहीं दे दिया तो उस जगह से अगर हमने स्टार्ट कर दिया, तो जॉइंट वाली जगह पे जो हमारे साथ कंक्रीट होगा, मेसनरी होगा, जो भी मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है, तो वो उस जगह पे वो क्या होगा, वो कमज़ोर होगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ ईच लेयर ऑफ कंक्रीट शुड नॉट एक्सीड 1.5 मीटर। कंक्रीट की जो थिकनेस है वो 1.5 मीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेयर, एक लेयर की जो थिकनेस है या डेप्थ है। और द थिकनेस ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ कंक्रीट जो है ना अबव रॉक, अगर रॉक के ऊपर आपने कंक्रीट करना हो, फर्स्ट लेयर कंक्रीट करना हो, तो वो 7.5 मीटर से उसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, श्रिंक के जॉइंट भी कह सकते हैं। ये किसकी वजह से आता है, ये अक्सर आता है टेम्परेचर की वजह से, ये चेंजिंग आता है। आपने अक्सर देखा होगा, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि गर्मियों में जो है ना चीज़ क्या होता है, कोई भी चीज़ हो तो वो क्या करता है, एक्सपेंड होता है, जितना उसके थर्मल एक्सपेंशन होता है उस हिसाब से वो एक्सपेंड होता है। और सर्दियों में क्या करता है, श्रिंक करता है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा पटलियों में, रेल की पटलियों में भी ये जॉइंट दिया जाता है, एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट, रेल को जो है ना ख़राब होने से बचाने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइड अवॉइड क्रैक्स कॉज ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो क्रैक्स आते हैं
कंक्रीट में, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। और कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट्स को हम मुख्तलिफ टाइप्स में हमने तकसीम किया है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट, यानी दीज जॉइंट्स आर कंटिन्यूस, ठीक है, फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ ये कंटिन्यूस होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो होते हैं, दीज जॉइंट्स आर स्टेगर्ड आर ब्रोकन, ये जॉइंट जो होते हैं ये स्टेगर होते हैं। स्टेगर का मतलब ये होता है एक स्क्वायर होता है, एक स्टेगर होता है। स्क्वायर का मतलब सीधा, स्टेगर का मतलब ये होता है कि उसका कोई एक लाइन ना हो, यानी एक प्रॉपर अलाइनमेंट ना हो, आप स्टेगर दे दे, ठीक है, बातरतीब ना दे दे, बेतरतीब दे दे उसको, ठीक है, या ब्रोकन दे दे। ब्रोकन का मतलब है कि जिसकी कोई तरतीब ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकन या स्टेगर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो है, ठीक, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है जी एलिमेंट्री प्रोफाइल। एलिमेंट्री प्रोफाइल का मतलब ये है कि जब डैम हम बनाते हैं तो इब्तदाई तौर पर इसका प्रोफाइल लेते हैं, तो वो उस प्रोफाइल को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री प्रोफाइल कहते हैं। ये सब कुछ यही लिखा गया है कि एलिमेंट्री प्रोफाइल का मतलब क्या है। एलिमेंट्री प्रोफाइल का मतलब ये है कि इब्तदाई तौर पर जो ड्राइंग आप लेते हैं, या जो भी आप काम करते हैं, या जो भी आप जो है ना प्रीरिक्विजिट स्टेप्स लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री प्रोफाइल कहा जाता है। प्रैक्टिकल प्रोफाइल क्या है, अच्छा इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें उसने की है, वेरियस पैरामीटर्स इन फिक्सिंग द पैरामीटर्स ऑफ द डैम सेक्शंस, ठीक है, फ्री वॉट आई एस कोड के मुताबिक इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है 1972 जो स्पेसिफाई किया गया था वो कितना होना चाहिए, फ्री वॉट 1.5 टाइम्स वेव हाइट अबव द नॉर्मल फॉल, वेव हाइट के तकरीबन 1.5 टाइम्स होना चाहिए, 1.5 से उस वेव हाइट को ऑब्जर्व देंगे तो उसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी वो इतना आप फ्रीबोर्ड देंगे किसी भी डैम में। टॉप विड्थ कितना होना चाहिए, वो तकरीबन 14% तक होना चाहिए। कह रहा है कि दी टॉप विड्थ ऑफ द डैम इज दी जनरली फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रोड वे टू प्रोवाइड। अच्छा, क्रेस्ट लेवल जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि क्रेस्ट लेवल को हम इस्तेमाल करते हैं रोड के तौर पर भी, डैम का जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है ये रोडवे के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बता दिया कि ये वॉकवे के तौर पर या रोडवे के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो जितना डिमांड हो तो उसी हिसाब से हम टॉप विड्थ देते हैं। और ये कह रहा है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल टॉप विड्थ ऑफ द डैम इज 14% ऑफ इट्स हाइट, तकरीबन जो सबसे इकोनॉमिकल है वो कितना है कि 14% ऑफ इट्स हाइट के होना चाहिए, क्या चीज़, क्रेस्ट, यानी जो टॉप विड्थ होता है वो 14% ऑफ इट्स हाइट होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम रोडवे कहते हैं। अच्छा, बेस विड्थ कितना होना चाहिए, बेस विड्थ डिपेंड करता है, अगर आपके साथ अप लिफ्ट कंसिडर आप करते हैं तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बीज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एस अंडर द रूट। अगर आप अप लिफ्ट जो नीचे से फोर्सेज लगते हैं उसको कंसिडर ही नहीं करते, कहते कि ये नहीं लगते, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, बीज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एस माइनस वन अंडर द रूट, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल हाइट। अच्छा, इकोनॉमिकल हाइट का मतलब क्या है, इकोनॉमिकल हाइट का मतलब क्या है, इकोनॉमिकल हाइट का मतलब ये है कि आप एक ऐसा हाइट प्रोवाइड कर दे, ठीक है, डैम में, जिसमें आपके साथ यानी कोई आपके बजट के ऊपर कोई असर ना पड़े, ठीक है, पानी भी ज़्यादा स्टोर हो लेकिन बजट के ऊपर कोई असर ना पड़े, सो तो उस हाइट को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल हाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है लो ग्रेविटी डैम। लो ग्रेविटी डैम हम पढ़ चुके हैं कि वो डैम जो जिसकी जो फोर्सेस हो वो मिडल थर्ड से पास हो जाए, यानी जो रिजल्टेंट फोर्सेस होते हैं डैम के ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं वो अगर मिडल थर्ड से पास हो जाए तो इट्स कॉल्ड के लो ग्रेविटी डैम। और इस डैम की डिज़ाइनिंग काफ़ी आसान होती है, ये हम आसान तरीके से कर सकते हैं। एक हमारे साथ होता है हाई ग्रेविटी डैम जो होता है, उसकी जो रिजल्टेंट फोर्सेज होते हैं वो काफ़ी इंतहाई यानी इस कॉर्नर से पास होते हैं, कारण से भी बाज़ औकात आउट पास हो जाते हैं, तो उसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसको हम फिर क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, कुछ को इंक्रीज करते हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो द हाइट ऑफ ग्रेविटी यानी द हाई ग्रेविटी डैम इज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वेयर द रिजल्टेंट फोर्स मे पास थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द मिडल थर्ड ऑफ द बेस, ये मिडल थर्ड के आउटसाइड से पास हो जाता है, तो फिर उसको जब हम मिडल थर्ड तक लाते हैं तो बहुत कुछ ये हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं तो काफ़ी फिर क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसकी डिज़ाइनिंग भी फिर काफ़ी क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो है फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम।
फेल किस वजह से होता है, ग्रेविटी डैम किस वजह से फेल होता है। तो इसकी मुख्तलिफ फेलियर है, जिस तरह आपने पढ़े होंगे स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स, ये पेपर में अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स के मुतलिक आता है कि स्टेबिलिटी ऑफ डैम बताए, जिस तरह स्लाइडिंग है और टर्निंग है, यानी आपने डैम को इस तरह डिज़ाइन करना हो कि वो स्लाइड ना हो जाए, आपने डैम को इस तरह डिज़ाइन करना है कि वो ओवर टर्न ना हो जाए, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ डैम जहाँ या फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम इस तरह होता है। आप प्रिकॉशन अगेंस्ट फेलियर, कौन से प्रिकॉशंस आप लेंगे, कौन सी एहतियातें लेंगे अगर आपने फेलियर से बचना है तो कौन से एहतियातें लेंगे। सबसे पहली एहतियात जो उसकी है कि टू प्रिवेंट ओवर टर्निंग से अगर आपने प्रिवेंट करना है, द रिजल्टेड ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम शुड रिमेन विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस वेथ ऑफ द डैम। बेस वेथ ऑफ द डैम जो है उसके मिडल थर्ड से सारे फोर्सेस पास होनी चाहिए अगर आपने प्रिवेंट करना है ओवर टर्निंग से डैम को। दूसरी बात यह है कि इन द डैम द स्लाइडिंग शुड बी फुली रेजिस्ट व्हेन द कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग एग्जिस्ट ऑफ द डैम सेक्शन। स्लाइडिंग के खिलाफ उसकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। इन द डैम सेक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट और मिशनरी शुड नॉट एक्सीड टू परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस, अवॉइड फेलियर ड्यू टू क्रशिंग। क्रशिंग से अगर आपने बचना है तो जो आपके साथ कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेसेस या मिशनरी के वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस से, और देयर शुड बी नो टेंशन इन द डैम सेक्शन टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। क्रैक से अगर आपने बचना है तो टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्रैक्स इसी की वजह से आता है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी मेंटेन बिटवीन 4 to 5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू है वो 4 to 5 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है, ये है इसकी कुछ प्रिकॉशन। अब इसके बाद है टेम्परेचर कंट्रोल क्या होता है। टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने ऐसा सीमेंट इस्तेमाल करना हो जो उसकी लो हीट सीमेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्रैक्स कम आएंगे। दूसरी बात यह है कि द वाटर एंड कोर सेग्रीगेट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं शुड बी कूल डाउन 2-5 डिग्री सेंटीग्रेड बाई सुटेबल मीन्स बिफोर मिक्सिंग। मिक्सिंग से पहले आपके साथ जो आप एग्रीगेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कूल्ड होनी चाहिए, ज़्यादा हीटेबल नहीं होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा हीट करेगा, एक्स्ट्रा हीट से आपके आपके साथ क्या आ जाएगा, क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ड्यूरिंग लेइंग ऑफ हाइट ऑफ कंक्रीट ब्लॉक शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर। आप ब्लॉक जो आप लेते हैं जिस तरह हमने बात की कि 1.5 मीटर से इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। इट हेल्प्स रेडिएट हीट टू द एटमॉस्फेरिक मोर क्विकली, और ये क्या करता है बहुत तेजी के साथ जो है ना रेडिएट करता है एटमॉस्फेरिक में इसकी शुआएं। और द वाटर इज कूल्ड बाय क्रस्ट आइस बिफोर यूजिंग एट इस क्यूरिंग पर्पज। अच्छा, इसमें यह कह रहा है कि जो आपके साथ जो एग्रीगेट है वो ज़्यादा हीटेबल नहीं होनी चाहिए, उसको आपने क्या करना है, आइस करना है, ठंडे करना है, फिर इस्तेमाल करना है। इतने ज़्यादा भी ठंडे नहीं करना है कि वो जम जाए, और इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि ज़्यादा क्या कर दे, ज़्यादा हीट को छोड़ दे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ एडवांटेजेज है और इसके डिसएडवांटेजेज है। किसकी, ग्रेविटी डैम की। ग्रेविटी डैम जो होता है वो सूटेबल होता है किस रीजन में, नैरो वैलीज में। अगर आपके साथ तंग रास्ता है तो उसके लिए ग्रेविटी डैम सूटेबल होता है। इसकी मेंटेनेंस कास्ट कम होती है और इसमें फेलियर बहुत कम आते हैं, ठीक है, सडनली फेलियर जो होते हैं बहुत कम आते हैं। और ग्रेविटी डैम जो है ना आप किसी भी हाइट में उसको बिल्ड कर सकते हैं। ग्रेविटी डैम अगर आपने बनाना हो तो किसी भी हाइट में अगर आपने बनाना हो तो आप बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। और लॉसेज ऑफ सीपेज जो होता है ग्रेविटी डैम में वो बहुत कम होता है। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये कि इसकी इनिशियल कंस्ट्रक्शन कास्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्रेविटी डैम जो है ना ग्रेटर हाइट कैन Only be constructed in sound rock foundation। अगर आपने हाई ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्ट करना है हाइट में तो आप ऐसे फाउंडेशन को देखेंगे जो फाउंडेशन नीचे क्या हो, स्टेबल हो, यानी साउंड रॉक हो, मजबूत रॉक नीचे पड़ा हो। और रिक्वायर स्किल लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आपने डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो स्किल लेबर जो माहिर लोग होते हैं, माहिर कारीगर होते हैं, उसको आप लेंगे। डिज़ाइन ऑफ ग्रेविटी डैम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसका डिज़ाइनिंग जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि मेडल तट से अगर सारे फोर्सेस पास होते हैं तो इट्स गुड, फिर तो मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर ये मेडल तट से पास नहीं और एक्सट्रीम कॉर्नर से पास आउट हो रहा है फोर्सेज, ऑल दी रिजल्टेंट फोर्सेज, तो ये फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, मशहूर जो डैम है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद डैम बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो है उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, रिकॉनिसेंस सर्वे करते हैं या स्टडी करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एनवायरमेंटल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डिज़ाइन प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन करते हैं, डिटेल डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स, प्लान एंड स्पेसिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप एंड टेस्टिंग ऑपरेशन, ये सारे स्टेप्स है जो आप लोग करते हैं किसी भी डैम को डिज़ाइन के। नेसेसिटी डेटा क्या होता है,
लोकल इनसाइट मैप होनी चाहिए, हाइड्रोलॉजिकल डेटा होना चाहिए आपके साथ, क्लाइमेट डेटा होना चाहिए, जियोलॉजिकल डेटा होना चाहिए, वाटर डिमांड कितना है, डेटा डैम साइट डैम डेटा, फाउंडेशन मटेरियल क्या है, टिल वाटर क्या है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ साइट, कौन सा जगह आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। अच्छा, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए डैम की। और दूसरी बात, लेंथ ऑफ डैम टू कंस्ट्रक्टेड इज लेस होनी चाहिए, ठीक है। जिस जगह में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो जगह की कंस्ट्रक्शन की कम होनी चाहिए, यानी ज़्यादा पानी स्टोर करना चाहिए। वाटर टाइटनेस ऑफ रिजर्वायर होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, गुड हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन होनी चाहिए, डीप रिजर्वायर होनी चाहिए, स्मॉल सबमर्ज एरिया होनी चाहिए, लो सिल्ट इनफ्लो होनी चाहिए, और नो ऑब्जेक्शनेबल मिनरल्स होनी चाहिए, और लो कॉस्ट ऑफ रियल इस्टेट होनी चाहिए। रियल इस्टेट मीन जो ज़मीन की कीमत होती है, वहाँ पर ज़मीन की कीमत कम होनी चाहिए। साइट इजीली एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए, इसकी क्या तहकीक होनी चाहिए, इंजीनियरिंग सर्वे हम करेंगे, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो होती है इन्वेस्टिगेशन, ये ज़मीन के साथ उसका रिलेशन होता है। इंजीनियरिंग सर्वे में तमाम आते हैं, और हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो होती है, इसमें हम पानी की मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे में कंडक्टेड फॉर डैम्स रिजर्वायर एंड अदर एसोसिएटेड वर्क, टोपोग्राफी इसमें हम करते हैं, ज़मीन की खदुखाल मालूम करते हैं, सर्वे ऑफ द एरिया इज कैरिड आउट एंड द काउंटर प्लान इज प्रिपेयर्ड, और द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल इज यूजुअली प्रोवाइड बाय ट्रायंगुलेशन सर्वे एंड द वर्टिकल कंट्रोल बाय प्रिसाइज लेवलिंग। वर्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल अगर अप एंड डाउन हमने मालूम करना है तो लेवलिंग करते हैं, और अगर हमने हॉरिजॉन्टल ये डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए ट्रायंगुलेशन सर्वे करते हैं। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए इसकी। जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डैम्स एंड रिजर्वायर साइट आर डन फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, मुख्तलिफ पर्पज के लिए हम करते हैं, जिस तरह सुटेबल ऑफ फाउंडेशन फॉर डैम, आया ये फाउंडेशन जो है ये डैम के लिए सुटेबल है, वाटर टाइटनेस ऑफ द रिजर्वायर बेसन, आया ये वाटर टाइटनेस है, अलोकेशन ऑफ द क्वेरी साइट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, यहाँ पे जो मटेरियल हम हासिल कर रहे हैं ये सही है, मिनरल वगैरह ये इसमें कोई चीज़ कोई जो है ना इम्प्योरिटीज ये चीज़ें तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में, हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम ये देखते हैं कि टू स्टडी द रन ऑफ पैटर्न, रन ऑफ पैटर्न को भी हम देखते हैं, ठीक है, कि रन ऑफ पैटर्न क्या है, रन ऑफ पैटर्न क्या है, रन ऑफ किसको कहते हैं, बारिश के पानी को कहा जाता है, उस बारिश के पानी के उस हिस्से को कहा जाता है जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर तैरता है, दिस इज कॉल्ड अ रन ऑफ, ठीक है। उस पैटर्न को हम देखते हैं, कितना पानी ज़मीन की सरफेस के ऊपर तैरता है, कितना आता है, किस मटेरिया क्या है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। टू डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्चार्ज एट द साइट, वहाँ पे कितना डिस्चार्ज कितना पानी को स्टोर कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर स्टेबिलिटी, कौन कौन से रिक्वायरमेंट, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ओवर टर्निंग होता है, स्लाइडिंग होता है, कंपेरिजन सॉरी कंप्रेशन और क्रशिंग होनी चाहिए, टेंसाइल होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर स्टेबिलिटीज है। रिजर्वायर सेडिमेंटेशन है, ठीक है, ये कह रहा है कि इट इज़ डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर विच इन इकोनॉमिकल सोल्यूशन हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड एक्सेप्ट बाय प्रोवाइडिंग अ डेड स्टोरेज टू अकोमोडेट द डिपॉजिट ड्यूरिंग द लेफ्ट ऑफ द डैम, ठीक है। तो डेड स्टोरेज मैंने आपको बताया था कि डेड स्टोरेज क्या होता है, लाइव स्टोरेज, डेड स्टोरेज, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले उसमें। डिसइंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए डैम में, डैम के जो 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 पार्टिकल्स होते हैं या जो आपने इस्तेमाल किए वो उसमें डिसइंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए। डिसइंटीग्रेशन किसको कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं तोड़ फोड़ को, यानी वो पत्थर में तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, एरोजन नहीं होने चाहिए, कटाव नहीं होने चाहिए उस हिस्से में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, सेडिमेंटेशन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सिल्ट सेडमेंट नहीं होनी चाहिए, आर द डिफरेंट स्टेजेस लीडिंग टू सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर, ज़्यादा जो है ना सिल्ट को वो स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सेक्शन तंग हो जाता है, पानी की कैपेसिटी कम हो जाती है। कॉजेज ऑफ सेडिमेंटेशन, किसकी वजह से ये सारी चीज़ें सेडिमेंट होते हैं, नेचर ऑफ द सॉइल, कैचमेंट एरिया, टोपोग्राफिक ऑफ द कैचमेंट एरिया, कल्टीवेशन इन कैचमेंट एरिया, वेजिटेशन कवर इन कैचमेंट एरिया, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन कैचमेंट एरिया। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जो हमारे साथ जो सिल्ट होती है ये क्यों जमा होती है किसी भी डैम में, तो ये जमा होती है किस वजह से, कैचमेंट एरिया किस तरह है, टोपोग्राफिक खासियत किस तरह है, कल्टीवेशन उधर कोई दरख्त मरख्त ये चीज़ें तो नहीं है, वेजिटेशन वगैरह कोई घास फूस ये चीज़ें तो नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल किस तरह है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये चीज़ें क्या होते हैं, फिर स्टोर होते हैं, ठीक है।
इसके बाद स्पिलवे, स्पिलवे खैर हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि स्पिलवे क्या होता है, ठीक है। ये स्पिलवे की टाइप से ये पहले भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसकी डिटेल जो है और इसके ऊपर हम एक अलग स्लाइड आपको देंगे, अलग स्लाइड अलग एक लेक्चर लेंगे स्पिलवे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी काफ़ी सारी टाइप्स है। एक अलग स्लाइड मैंने इसके ऊपर बनाया है, तो वो हम डिटेल से फिर एक्सप्लेन करेंगे कि स्पिलवे क्या है, स्पिलवे की कितनी टाइप्स है, स्पिलवे किधर दिया जाता है। जनरली मैं आपको बता दूं कि स्पिलवे के जो टाइप्स होते हैं वो ओवरफ्लो स्पिलवे होता है, शूट स्पिलवे होता है, साइड चैनल स्पिलवे होता है, शेफ्ट स्पिलवे होता है, साइबन स्पिलवे होता है, और सर्विस एंड इमरजेंसी स्पिलवे होते हैं। तो ये हम देखेंगे डिटेल से, हम इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ये अलग स्लाइड इसके ऊपर हम देंगे, क्योंकि आज हमने ये डिस्कस नहीं करना है। ये आप देख भी सकते हैं कि ओवरफ्लो स्पिलवे जो है, पहले पिक्चर में जो ओवरफ्लो स्पिलवे है, इस पिक्चर में ये ओवरफ्लो स्पिलवे है, ये साइड चैनल स्पिलवे है, ठीक है, और ये शूट स्पिलवे है, ठीक है, और ये आपके साथ मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे है, ठीक है, इसको कहा जाता है। इमरजेंसी डिसिपिटेशन क्या होनी चाहिए, सॉरी इमरजेंसी नहीं है, एनर्जी डिसिपिटेशन। एनर्जी डिसिपिटेशन जिस तरह हमने आपको बताया था, ठीक है, केनाल फॉल में आपको बताया था, केनाल फॉल में एनर्जी डिसिपिटेशन हम करते हैं, एनर्जी को हम क्या करते हैं, डिसिपेट कर देते हैं, डिसिपेट मीन ज़ाया कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नुकसान होते हैं। इसके क्या नुकसान है? एरोजन इसकी वजह से हो सकता है किसी भी जो है ना चैनल में, तो ये एनर्जी डिसिपिटेशन इसको कहा जाता है। अब ये देख सकते हैं सिल्टिंग बेसन, ठीक है, और ये हाइड्रोलिक जंप है। अच्छा, इधर यहाँ पे पानी जो है वो स्टिल है, स्टिल बेसन में कड़ा है, ठीक है, स्टिल मीन साकिन कड़ा है, ठीक है, हरकत नहीं कर रहा है। अच्छा, ये था लेक्चर। जी जनाब, हाँ जनाब, कोई क्वेश्चन है किसी का? जी सर, जी अटेंडेंस यहाँ से मैंने ले ली, ये 8 समय, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ है मुहीब खान है, मोहम्मद बिलाल है, वसीम रहमान है, आतिफ शाह है, मोहम्मद सुहेल है, नादिर बाबर है, इरफान खान है, MP4 PUBG। ये MP4 PUBG वाले आपकी अटेंडेंस इसी तरह मैं लगा तो ठीक है, आपका नाम मैं चेंज नहीं करता तो आप फिर ये आपसे ये पबजी बनाएगा, ठीक है, ये कहेगा ये आपका नाम है कि क्या है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है, अपना नाम चेंज कर लेना काइंडली। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये नाम चेंज कर ले, आपके लिए नुकसान में आप आ सकते हैं। अच्छा, जुहेब अफरीदी है, मोहम्मद अकरम है, नादिर नईम खान है, मोहम्मद जीशान है, और ताहिर अजीज है। इरफान खान की जगह मोहम्मद इरफान है, तो ये आप खुद कर लेना चेंजिंग। मैं क्या करूँ, यही चेंजिंग करूँगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नादिर साहब से क्वेश्चन था। चंगे आदाब, बस ग्रुप की जरूरत सेंड कम आतम सेमेस्टर वाले ग्रुप की सेंड कम, ठीक है जी, सही, ओके जी। अच्छा, इसके बाद जो है ये 2 लेक्चर हमारे रहते हैं सिर्फ, ये 2 तो हो गए, सॉरी 10 हो गए, 2 रहते हैं, तो उस 2 में जो है ना हम डैम की डिज़ाइन करेंगे, और साथ में जो है ना कुछ और रिलेवेंट चीज़ें जो है, जिस तरह स्पिलवे मैंने बता दिया कि स्पिलवे में हम डिटेल मजीद डिटेल हम जो है ना स्पिलवे के बारे में हम सीखेंगे कि स्पिलवे क्या होता है, स्पिलवे की कितनी टाइप्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू से भी, और ये काफ़ी जगहों पे जो है ना पूछे जाते हैं कि स्पिलवे क्या है, स्पिलवे की टाइप्स क्या है, उसका क्या पर्पस है, ठीक है। अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। ठीक जी, पबजी वाला नाम किधर चेंज कर रहे हैं वो तो।
अच्छा ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन और तो नहीं है? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।